तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एस के गेमिंग, और आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं हाउ टू क्लच वन वर्सेस फोर। तो हाँ भाई, ये इतना हार्ड नहीं है, इतना भी नहीं है, थोड़ा बहुत है। जैसे हम सीख रहे हैं सब सीख जाते हैं एक बार। तो एन्जॉय द क्लिप फर्स्ट, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप कैसे 1v4 क्लच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लच, प्रॉन, जंप, ये सब आपकी ट्रिक की वजह से, जो कि आप बहुत फायदेमंद होती है। तो एन्जॉय द क्लिप फर्स्ट। तो गाइज, ये थे कुछ गिने चुने शॉट्स जो कि मेरे मुताबिक, कुछ मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक थे, जिसमें आप कैसे प्रॉन होके शॉट्स ले सकते हो या फिर। लेकिन हाँ, जाने से पहले एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जिससे हमें और मोटिवेट मिलेगा। तो भाई, आ चुके हैं हम ट्रेनिंग मोड में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं इस सब चीज़ करने के लिए आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। तो आपको ऐसे नहीं होगा जैसे आप मतलब कुछ भी कर रहे हो, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, जिसके आप डेली दिन में कम से कम आधा घंटा उसको दो, ताकि वो आपको हेल्पफुल रहेगा गेम प्ले के अंदर। डायरेक्ट ऐसे आपको गेम नहीं खेलना है, पहले आपको रोज का प्रैक्टिस करना है, जैसे आपको बहुत हेल्प मिलेगा प्रैक्टिस में। तो हाँ गाइस, आपको कैसे प्रैक्टिस करना है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आप अपनी गन ले लो, जिसमें आप अच्छे से खेल सकते हो। हाँ, ऐसे ही कोई भी गन नहीं लेना जो आपको रिकॉइल हैंडल कर सको, वो गन आपको ले लेना है। अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए कि आपको कैसे रिकॉइल कंट्रोल करना है, आपकी सेंसिटिविटी कैसे रखना है, आपका क्लो कैसा होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले हमने एक गन ले ली है M416, और 6x लेके उसको कन्वर्ट कर लिया है 3x में। अभी आप देख सकते हो एक 6x का स्प्रे, तो ठीक ठाक स्प्रे है, कुछ सेटिंग की गड़बड़ी के कारण कुछ भी हो रहा है, तो ट्रायल है। अभी आप देखिए, आपको ना भाई जितना हो सके उतना जल्दी मूवमेंट करना है आपका, जो भी आपके थम्स है, आपके फिंगर्स है। अब अगर 3 फिंगर खेल रहे हो या 4 फिंगर खेल रहे हो, आप जो भी सेटिंग है आपका, आप उसको मूवमेंट अपना फास्ट रखिए। आप अगर जितना मूवमेंट फास्ट रखोगे, सामने वाले के जो एनिमी है आपका, उस पर उतना ही दबाव पड़ेगा। जितना आप उसको क्राउच करोगे, जितना प्रोन होगे, जैसे इसमें बता रहा हूँ मैं आपको कि कैसे पिक करके उस पर दबाव बनाते हैं, जैसे एनिमी सामने है उस बक्से के पीछे है, ठीक है। तो आपको इस तरह लेफ्ट पिक राइट पिक उसको लेके फायर करना है, तो उसके ऊपर एक दबाव बनना रहेगा। उसके बाद आना है आपको इस जगह पे प्रैक्टिस के लिए। तो ये जो आप जो नमूने खड़े रहते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग मोड में, वहाँ पे आना है और इस तरह से बैठ जाना है, और फिर जैसे रन करना है और जंप होगा शॉट लेना है। जैसे आप देखो, ये जंप हुआ, ये जंप किया, शॉट दिया, जंप किया, शॉट दिया। तो गाइज, आपको ऐसे ही दिन में 2-5 मिनट ऐसे कर लेना है, जिससे आपको थोड़ा प्रैक्टिस मिल जाएगा। जंप शॉट, जंप शॉट। तो गाइज देखिए कैसे करते हैं। और हाँ भाई, आप वहाँ से इतनी मेहनत करके जंप शॉट करके यहाँ पे आए हो, ज़ाया नहीं जाएगी, वापस आपको उधर नहीं जाना है, इधर ही बैठना है और इधर आपको क्राउच होकर शॉट देना है, ठीक है। तो आपका एक ही बारी में दो प्रैक्टिस हो जाएगा। एक बार आप जब आओगे तब जंप होगा, जब वापस जाओगे तब क्राउच होगा, जैसे आप उसको बैठ कर करो। लेकिन हाँ, बैठ करके आप जब उसको क्राउच करके शॉट देते हो, तो अपना हेड संभाल के रखिएगा भाई, क्योंकि सामने वाला जब वो सीधा खड़ा रहता है, उसका एम बीच में रहता है, तो अगर उसका एम ऊपर है तो आप बच जाओगी, अगर आप उसका एम बीच में है तो उसकी सारी गोलियां भाई आपको हेड पे लगने वाली है। तो इतना संभाल लीजिएगा कि आपका हेड थोड़ा बचा के रखिएगा, वरना आपका हेड पे हेड लगेंगे और उधर ही आप सो जाओगे। तो भाई, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है जंप और क्राउच के लिए। तो इस प्रैक्टिस करने का मतलब क्या होगा कि जैसे एनिमी इस कवर के पीछे है, आप आओगे, आपको पता होना चाहिए बंदा उधर है, आप फुटस्टेप्स पर ध्यान देना ज़्यादा, क्योंकि फुटस्टेप इज इम्पोर्टेंट इन पबजी मोबाइल और पबजी पीसी जो भी है। तो आप जैसे पता होगा कि बंदा इस कवर में है या उस पेड़ के पीछे है, तो आप धीरे से आओगे कवर लेते हुए, और जैसे आप बंदा के नज़दीक आओगे, आप जंप करके तुरंत ले सकते हो उस फायर। और ये कुछ
एग्जाम्पल से, जैसे बंदा उस बक्से के पीछे है या उस मूर्ति के पीछे जो भी पेंटिंग है, तो आपको बस पिक एंड फायर एकदम अपना मूवमेंट जो है वो बहुत फास्ट रखना है। तो आप जैसे उसको ट्रोलिंग कर सकते हो, आप राइट पिक करोगे लेफ्ट पिक करोगे वो कंफ्यूज होगा भाई राइट में मारो या लेफ्ट में मारो, उसमें वो थोड़ा एम लेने में टाइमिंग लेगा, उतने में आप उसको मार लोगे। ठीक है, तो थोड़ा ट्रोलिंग करो, जैसे बंदा ओपन में आए उसको मार दो। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स है एनिमी को मारने के लिए। उसके बाद गाइज आपको प्रैक्टिस करना है आपका एमिंग के, जो आपका एम है थोड़ा तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके आप सोलो है और आपके सामने चार बंदे आ रहे हैं ओपन में या फिर वो थोड़ा सा कवर लेके आ रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से मारना है, आपका क्रॉसियर उनके ऊपर रखना है और जैसे आप स्कोपिंग करोगे उनके आजू बाजू ही क्रॉसियर स्कोप ओपन होगा जिस क्रॉसियर के ऐप से, और उसको आराम से आप पिक फायर और कवर में आना जैसे आपको थोड़ा हेल्प मिल सके। तो अगर उनकी गोली भी आपको अटैच हो तो आप कवर में आकर के थोड़ा अपना आपको सेफ रख सके, और अगर उनके आने तक आप हील करने का मौका मिले तो अपने आपको भाई फुल बूस्ट रखना कभी भी। आपका अगर बूस्ट कम है या अपना हेल्थ कम है तो भाई वो आराम से आपको मार देगा, अगर आपका बूस्ट फुल है हेल्थ फुल है तो आपको ईजी रहेगा उनको मारने के लिए। जैसे आप बता रहा हूँ देखो, एक के ऊपर स्प्रे ट्रांसफर, जैसे दो बंदे आ रहे हैं एक को मारा, जैसा वो ख़त्म हुआ स्प्रे ट्रांसफर करा दूसरे पर। ठीक है, तो ये गाइस आपको ट्रेनिंग करना है रोज़ कम से कम, अगर आधा घंटा ना हो तो आप गाइस 10 या 15 मिनट करना, जिससे आपका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना भाई तो आप आराम से बंदों को पेलोगे। ठीक है, तो आप इस बार प्रैक्टिस करो कम से कम, आप अगर दो घंटे गेम खेलते हो कम से कम 15 मिनट यहाँ पे प्रैक्टिस करना भाई। आप जैसे TDM एक दो गेम खेल लेते हो तो TDM में क्या है ना भाई कि आप चलो प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से होता है उसमें भी, लेकिन वहाँ पे गाइस रियल प्लेयर आते हैं। ठीक है, तो वो कभी कभी आप मार लेते हो, कभी कभी आप खुद मर जाते हो, कभी कभी 15-20 किल करते हो, या फिर कभी कभी 2-5 किल भी हो जाता है। ठीक है, तो सामने एनिमी इतना हैवी होता है या फिर थोड़ा कम होता है, तो यहाँ पे क्या है गाइस आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है यहाँ पे करने से। ठीक है, उसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे आपका एम प्रैक्टिस के लिए, जो आपका एम है वो जैसे मैंने वहाँ पे आपको एम ट्रांसफ़र किया था उस तरह से यहाँ पे आपको एम ट्रांसफ़र करना है, इसको बोलते हैं एम लॉक। ठीक है, तो आप सामने जो बंदा है या वो जहाँ पे वो भाग ये जो इधर उधर जा रहे हैं जो भी एम वगैरह है, तो आपको इसके ऊपर एम लेना है और टैप टैप फायर करना है फर्स्ट में। ठीक है, आप सीधे फायर करोगे आपका एम इतना अच्छा नहीं है तो गाइस वो आप सबको नहीं फेंक सकोगे। ठीक है, तो आपको एक एक पहले टैप टैप फायर करना है, एक दो गोली उसको एक एक करके फेंकना है। ठीक है, और जैसे आपको लगे कि हाँ भाई चलो अभी मैं कर सकता हूँ थोड़ा, ठीक है, वरना आप प्रैक्टिस ही करो। अगर जब आपको लगता है कि हाँ भाई मैं एक स्प्रे में सारों को गिरा दूंगा, उसके बाद ही आप उसको पूरा सा एक साथ करो। ठीक है, तो जैसे अभी मैं कर रहा हूँ टैप फायर अभी लगा, अरे हट भाई, ओ भाई चचा ओ हाँ। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा सा इधर देखो, अभी मैं स्प्रे ले रहा हूँ अपना, मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ भाई, देखो अभी इतना अच्छा नहीं है, मेरे से भी रह गया। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है प्रैक्टिस कम से कम 15 या 20 मिनट। ठीक है, तो अभी आप एंजॉय करो वीडियो को। जैसे मैं आपको मेन चीज़ है जो एम आपका, अगर एम अच्छा नहीं है तो सामने वाला बंदा आपको पेल के चला ही जाएगा भाई, तो आप प्रैक्टिस करो एम का, उसके बाद मूवमेंट लो। सबसे पहले गाइस आपका एम अच्छा होना चाहिए, अगर आपका एम अच्छा नहीं है तो आप जितना भी क्राउच कर लो, आप कितना भी जंप कर लो प्रोन लेके, आपका एम नहीं है तो गाइस वो मरने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे बेटर है आप पहले अपना एम पे ध्यान दो, एम के बाद अपना क्राउच या जो सेंसिटिविटी है उसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, और आपका मेन मकसद होना चाहिए गाइस उसका हेड। ठीक है, सामने जो एनिमी है उसका हेड, आपका क्रॉसियर जो है वो सामने वाले एनिमी के हेड पर ज़्यादातर होना चाहिए, ताकि अगर 2-4 गोलियां मिस हो तो भाई 2 गोलियां कम से कम हेड पे लगेगी ना, उससे उसके आधे से ज़्यादा HP हेड पे गोलियां लगने से ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप उसको बॉडी शॉट मार दो या कहीं पर भी मार दो, उसको लगना ही लगना है, वो एनिमी मरेगा ही। ठीक है, तो गाइस जितना हो सके प्रैक्टिस करो, और ट्रेनिंग में कम से कम 20 या 25 मिनट दो, मैं तो बोलता हूँ आधा घंटा दो। ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो आप बस इतना ही आज के लिए, और आपको और वीडियो चाहिए करो के तो आप मुझे लाइक करो, फॉलो करो, और शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए यहाँ तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।